इधर खैरागढ़ देख सकते हो आप अपना बस स्टैंड, और जो कार्यक्रम हो रहा है 1008 शिवलिंग का, वो कार्यक्रम स्थल ये रहा। यही वो 1008 बाल्टी है जिससे कि रुद्राभिषेक होगा पूरे जल से, शुद्ध पेयजल मंगाया गया। इधर एक टैंकर, उधर एक सामने एक और है, और इधर भी एक टैंकर है। नहीं हुआ है, लेकिन अगर पीछे गिरेगा तो देखो पकड़ने के लिए हुआ है, और आगे तो गिर ही नहीं सकता। चालू हो रहा है, अगर आप अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं आप सबसे एक निवेदन और चाहूंगा कि अगर आपको आवंटित नंबर दिया गया हो तो कृपया हमें सहयोग प्रदान करें। आज हमारे बीच संगीत विश्वविद्यालय, जो एशिया का एकमात्र संगीत विद्यालय, एक त्रिवेणी संगम में पधारे आप सभी शिव भक्तों का अभिनंदन स्वागत है। गाइस वहां पर जो बड़ी शिवलिंग है उस तरफ हम लोग अभी जा रहे हैं, बड़ी शिवलिंग की तरफ। आपके आशीर्वाद हमें मिले। बड़ा सबसे बड़ा जो शिवलिंग है जो कि फवारा बना हुआ है वहां पर, उसके पास मैं जा रहा हूं आपको ले जाने के लिए। ले जा रहा हूं। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। अब एक सवाल सबसे मन में उठता है कि आखिर इस भव्य आयोजन का सार्वजनिक रूप से आयोजित होना क्यों किया गया है? तो इस संबंध में श्री शिवाय नमस्कार बताया गया है कि जब कोई धार्मिक आयोजन या रुद्राभिषेक आदि स्वयं के या परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है तो उसे व्यक्तिगत रूप से घर में आयोजित किया जाता है, परंतु साधुवाद श्री राम गौ सेवा समिति भैरागढ़ फवारा शुरू हो गया। देखो की पावन धरा में और मैं आयोजन समिति की ओर से श्री राम गौ सेवा समिति के संरक्षक
भाई विक्रांत सिंह जी का इस मंच पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।